साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं। हालांकि देश की आम जनता के लिए नवाब मलिक उस वक्त सुर्खियों में आए जब पहली बार उनके दामाद समीर खान को एनसीबी ने ड्रग केस में गिरफ्तार कर लिया। फिर भी नवाब मलिक इतना चर्चित नहीं हो पाए, मगर जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद तो नवाब मलिक हर दिन खबरों में छाए रहे। रोजाना 3 से 4 ट्वीट कर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को फटकारते हुए नजर आए। नवाब मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ इतना कुछ कहा कि वानखेड़े को आर्यन केस से हटना पड़ा। मलिक ने इतने आरोप वानखेड़े पर लगाए कि समीर वानखेड़े को एनसीबी तक छोड़नी पड़ी। वानखेड़े के खिलाफ ट्विटर वाला युद्ध करने वाले नवाब मलिक अब खुद जेल की हवा खा रहे हैं और उन पर खुद पर कई गंभीर आरोप हैं। मगर अब तक समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। अक्टूबर से लेकर मार्च का महीना आ गया, मगर समीर वानखेड़े ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर नवाब मलिक के लिए कुछ नहीं कहा। मगर अब पहली बार समीर वानखेड़े ने मलिक की गिरफ्तारी और मलिक पर लगे संगीन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो क्या कहा समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक को लेकर? क्यों वानखेड़े के बयान से खलबली मच गई है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आर्यन खान क्रूज ड्रग केस के दौरान नवाब मलिक ने तो जैसे जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ खूंटा ही गाड़ दिया था। रोज सुबह एक नया ट्वीट कर वानखेड़े पर नए नए आरोप लगाए गए। समीर वानखेड़े के धर्म, शादी, नौकरी, उम्र और तो और पैदाइश तक पर नवाब मलिक ने कई हैरानी भरे ट्वीट किए और रिलेटेड कागजात और फोटोज भी सार्वजनिक कर दिए। इतना ही नहीं, मलिक ने वानखेड़े के परिवार में उनके माँ बाप और पत्नी क्रांति रेडकर को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि मलिक के इन ट्वीट्स की वजह से ही कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को एनसीबी को छोड़ना पड़ा और प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में प्रेशर झेलना पड़ा और तमाम तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा। मगर फिर भी समीर वानखेड़े ने कभी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा और मलिक के खिलाफ कभी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। मगर अब जबकि नवाब मलिक खुद जेल की हवा खा रहे हैं और कम से कम 21 मार्च तक तो जेल में ही रहने वाले हैं, तो समीर वानखेड़े ने भी अपने हिस्से की चुप्पी को तोड़ दिया है। दरअसल समीर वानखेड़े ने खुद तो सीधे कुछ नहीं कहा, मगर उनकी पत्नी और मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे सीधे तौर पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्रांति रेडकर ने ट्वीट करते हुए एक फोटो शेयर की जिसमें कर्म और फल से जुड़ी बातें लिखी हैं। पोस्ट में अपलोड की गई फोटो में लिखा है, कर्मा सेज माउथ कैन लाई, आईज कैन नॉट, पीपल मे फॉरगेट, कर्मा विल नॉट। यानी कि क्रांति रेडकर ने यहाँ पर निशाना साधते हुए कहा, कर्म कहता है कि मुंह झूठ बोल सकता है पर आंखें झूठ नहीं बोलती। लोग भूल सकते हैं मगर कर्म कभी नहीं भूलते और एक न एक दिन सबके कर्मों का हिसाब होता है। अब क्रांति रेडकर ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया और ना ही किसी को टैग किया, मगर उनकी ये पोस्ट सीधे तौर पर नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जो कुछ हुआ है उसे जोड़कर देखी जा रही है। उनके इस पोस्ट को समीर वानखेड़े का अनकहा रिएक्शन भी माना जा रहा है। आपको यहाँ बता दें कि क्रांति रेडकर मराठी एक्ट्रेस हैं और आर्यन केस में जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगाए थे तो उस वक्त क्रांति रेडकर ने मलिक के हर आरोपों का डटकर सामना किया और जवाब भी दिया। क्रांति रेडकर अपने पति के बचाव में बेखौफ उतर गयी। कई टीवी चैनल्स को दिए इंटरव्यू में क्रांति ने मलिक के हर आरोपों की धज्जियां उड़ाई और वो आज भी सोशल मीडिया पर अक्सर अपने पति समीर वानखेड़े के सपोर्ट में खड़ी नजर आती हैं। क्रांति रेडकर ने कई डॉक्यूमेंट्स भी जारी किए जिससे साफ हो गया था कि वानखेड़े पर लगे आरोप बेबुनियाद थे और अब उन्हीं क्रांति की ये पोस्ट जाहिर तौर पर नवाब मलिक को टारगेट कर रही है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोपों को निशाना साध रही है। वैसे इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र के विधानसभा के बाहर जो बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन चल रहा था और मलिक के इस्तीफे की मांग की जा रही थी उसमें झूठे गवाहों का जिक्र भी निकल कर सामने आया है।
जी हाँ, बीजेपी के कुछ नेताओं का दावा है कि नवाब मलिक को बचाने के लिए झूठे गवाह तैयार किए जा रहे हैं और ये गवाह अगर कोर्ट पहुंचते हैं तो ईडी का केस कमजोर होने की भी आशंका है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये झूठे गवाह ईडी अधिकारियों की पूरी मेहनत पर पानी भी फेर सकते हैं। अब बीजेपी के नेता किन गवाहों की बात कर रहे हैं इसे लेकर फिलहाल पुख्ता जानकारी तो नहीं आई है, मगर इतना तय है कि कोई ना कोई खेल तो चल रहा है ताकि मलिक को जेल से बाहर निकाला जाए। हालांकि लगता नहीं है कि मलिक 21 मार्च के बाद भी जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि मलिक पर जो आरोप है, डी कनेक्शन से जुड़े जो आरोप है, धन शोधन से जुड़े जो आरोप है, वो वाकई में संगीन आरोप है। तो फिलहाल तो समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वहीं मलिक के केस में बीजेपी के झूठे गवाहों के आरोप भी चर्चा का विषय बने हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नवाब मलिक को अपने कर्मों की सजा मिल रही है? क्या समीर वानखेड़े की पत्नी की ये पोस्ट मलिक को आईना दिखाने के लिए काफी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो दुबई की डी गैंग से कनेक्शन, डी के रिश्तेदारों और गुर्गों से औने पौने दाम में जमीन खरीदना और धन शोधन के आरोप के मामले में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में दिन काट रहे हैं। मलिक को अभी 21 मार्च तक जेल में ही रहने का फरमान कोर्ट सुना चुकी है। पहले मलिक को ईडी ने हिरासत में लिया था। दो बार ईडी को नवाब मलिक की रिमांड मिली। डी से कनेक्शन और धन शोधन मामले को लेकर ईडी ने नवाब मलिक से काफी पूछताछ करने की कोशिश की, मगर इसी बीच पहले तो नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई और फिर उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। अब इन सारी प्रक्रिया में रिमांड के दिन खत्म हो गए, मगर कोर्ट ने एक बार फिर से मलिक को ईडी के रिमांड पर दिया। मगर ईडी सूत्रों की माने तो मलिक ने पूछताछ में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और ईडी के किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर मलिक को ईडी की हिरासत से आर्थर रोड जेल में 14 दिनों के लिए भेज दिया गया और मलिक अभी जेल में ही है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी सरकार के महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री जेल में हो। अब जब से नवाब मलिक को जेल हुई है तभी से महाराष्ट्र में विपक्ष लगातार नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहा है, उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग कर रहा है। अब ये मांग महाराष्ट्र की विधानसभा में भी उठी तो खूब हंगामा देखने को मिला। धन शोधन मामले में जेल में बंद एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग के लिए बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में इस वक्त बजट सत्र चल रहा है और बीजेपी के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने दूसरे दिन भी विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की। इससे पहले भी बीजेपी के विधायक इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं। जहां एक तरफ बीजेपी इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी है, वहीं पर एमवीए सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि वो नवाब मलिक पर इस्तीफे के लिए दबाव नहीं बनाएगी। अब इधर प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी हिरासत में लिया गया। वो एनसीपी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा खोल रखे थे, लगातार दो दिन से नवाब मलिक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मामला उस वक्त ज्यादा गर्म आ गया जब मेट्रो जंक्शन के आगे पुलिस ने बीजेपी नेताओं और विधायकों को जाने ही नहीं दिया और इसके बाद फडणवीस और बाकी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेताओं के हिरासत में लिए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कुछ बीजेपी नेता तो विधानसभा के बाहर बैठ गए और नवाब मलिक की तख्तियां लेकर इस्तीफे की मांग करते नजर आए। यानी कि मामला बेहद गर्म हो गया।